नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल में चौक चौराहों पर अलाव जलाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष नेतृत्व में सोमवार को नगर पालिका परिषद सारणी के मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चौक चौराहे पर अलाव जलाने के अलावा नगर पालिका परिषद सारणी में सफाई का काम करने वाले बुजुर्ग कर्मचारी के समय परिवर्तन करने की मांग की गई है। कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष नईम खान ने बताया कि वर्तमान समय में संपूर्ण क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका परिषद सारणी के द्वारा सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सफाई कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है, जिसमें बुजुर्ग और कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे बुजुर्ग कर्मचारियों को चिन्हित करके सुबह का समय परिवर्तित करके उन्हें दूसरे काम में लगा दिया जाना चाहिए, जिससे बुजुर्ग लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष नईम खान ने बताया कि शीतलहर का प्रकोप बढ़ने के कारण ग्रामीण क्षेत्र से लकड़ी, दूध बेचने, सब्जी बेचने के लिए आने वाले किसानों एवं ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी उपस्थित थे। सारणी से नईम खान की रिपोर्ट।